जैविक कृषि ही खेती की भविष्य होगी। जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने हेतु जिला कृषि कार्यालय द्वारा जैविक खेती कॉरिडोर योजना अंतर्गत अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण का एक दिवसीय प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कटिहार सदर प्रखंड के सिरनिया पश्चिम पंचायत अंतर्गत उदामा रेखा में मंगलवार को किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जिला कृषि पदाधिकारी दिनकर प्रसाद सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर केपी सिंह, जैविक कॉरिडोर की नोडल पदाधिकारी कुसुम कुमारी, जैविक खेती उत्पादक सहकारी समिति के अध्यक्ष अर्जुन कुमार सिंह आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सभी मंचासीन प्रतिनिधिगण, हमारे सहकर्मी कृषि समन्वयक सह हम लोगों ने रखा है, ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम है और जागरूकता का कार्यक्रम। यहाँ तक लाने में हमारे ही जिला का एक ईश्वर जानते होंगे कि जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के दौरान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कटिहार जिला के रौतारा गांव में पधारे हुए थे। वहाँ जैविक उत्पाद रखा गया था और जिसको कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सराहा। क्या है जैविक खेती और क्यों लाभकारी? ये जैविक खेती ये है जो बिना रासायनिक के बिना हम जो खेती करते हैं, बिना रासायनिक उर्वरक, बिना रासायनिक कीटनाशक के वगैरह हम खेती कर सकते हैं। जैसे बर्मी कंपोस्ट हो, केचुए के द्वारा जो बनाया गया खाद है उसको हम लोग बर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इसमें होने वाले लाभ जी निश्चित रूप से सरकार के द्वारा जो योजनाएँ चलाई जा रही है कि जैविक खेती से लाभ होगा और इससे मनुष्य पर दुष्प्रभाव नहीं होगा। जी अपना परिचय हमारे जी। मैं अर्जुन कुमार सिंह उदाम रेखा इस समूह का अध्यक्ष हूँ। जी जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्या उद्देश्य? उद्देश्य यही है कि बिहार सरकार ने एक योजना चलाई है जैविक कॉरिडोर के अंतर्गत जैविक कृषि का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसी के तहत किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है कि आप रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशी एवं रासायनिक त्रिनाशी का कम प्रयोग करें। इसके ज़्यादा प्रयोग हो जाने से लोगों में बहुत सारी बीमारियां हो रही है, उसके रोकथाम करने के लिए जैविक कृषि उनके लिए बड़ा ही उत्तम है। जी जैविक खेती जो है भविष्य की खेती होगी क्या? एकदम सही है, ये भविष्य की खेती होगी, इसलिए कि इससे कृषि के लागत में कम किया जा सकता है। साथ ही साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कथन है कि 2022 में कृषि का किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, ये उसमें मुख्य रोल अदा करेगा जैविक कृषि। ये अपना परिचय हमारे दर्शकों। मेरा नाम दिनकर प्रसाद सिंह, जिला कृषि पदाधिकारी कटिहार।